सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर तोड़ दिया। लेखक और स्वतंत्र कॉलमिस्ट अंशुल पांडे ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए ऐसा ही दावा किया था। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर ने उनके ट्वीट को हटा दिया है। कॉलमिस्ट तारिक फतेह ने भी अंशुल पांडे के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए ऐसा ही दावा किया था। गौर करें कि तारिक फतेह कई बार सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां शेयर कर चुके हैं और ऑल्ट न्यूज ने उनके द्वारा शेयर किए गए फर्जी दावों के बारे में ये डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की थी। ट्विटर यूजर @MrSinha ने भी बिना वायरल क्लिप शेयर किए ये दावा ट्वीट किया था। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये क्लिप इसी दावे के साथ ट्विटर से लेकर फेसबुक तक वायरल है। हालांकि इस वायरल क्लिप का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने तेलुगु में कीवर्ड सर्च किया। हमें इस घटना के बारे में कई वीडियोस मिले। खुद को बीजेपी आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यक क्षेत्र के प्रभारी बताने वाले शेख नागुल मीरा नामक इस शख्स ने इस घटना के बारे में ये पोस्ट किया था। 13 अक्टूबर की इस पोस्ट में शेख नागुल मीरा ने इस धार्मिक ढांचे को दरगाह हजरत बाजी बाबा निशान बताया है। साथ में ये भी लिखा है कि इस जगह से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई है। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए शेख नागुल मीरा ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस जगह पर मस्जिद बनाने के इरादे से इन ढांचों को गिरा दिया, जिसकी सूचना बाद में पुलिस को भी दे दी गई थी। शेख ने आगे बताया कि ये जमीन के मालिक की मौत कोविड से हो गई और ढांचा तोड़ने वालों ने ये दावा किया कि इस व्यक्ति की बेटी ने वहां मस्जिद बनाने के इरादे से ये जमीन उन लोगों को सौंप दी थी। इस वीडियो में ये महिलाएं इस घटना के बारे में कहती है कि वो पिछले 40 सालों से LR कॉलोनी थर्ड लाइन वार्ड 17 दरगाह जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ये मामला जाति या धर्म का नहीं था। विवादित ढांचे का निरीक्षण करने वाले LR कॉलोनी के स्थानीय व्यक्ति शाहीन ने हमें कहा कि कुछ सालों पहले इसु रत्नन नाम का एक शख्स बीमार था, जिसे बाजी बाबा ने ठीक कर दिया था। बाद में बाबा ने इसु से एक धार्मिक स्थल बनाने के लिए कहा। कई सालों तक इस जमीन पर हिंदू और मुसलमान आते थे और प्रसाद चढ़ाते थे। इसु की मौत के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि इसु ने ये जमीन उन्हें बेच दी थी और अब वहां एक मस्जिद बनाई जाएगी। 7 अक्टूबर को ये लोग वहां आए और उन्होंने ये ढांचा तोड़ दिया, जिसके बाद उनका स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। शाहीन ने कहा कि उत्पीड़न की शिकायत करने पर वक्फ बोर्ड के एक प्रतिनिधि ने घटनास्थल का दौरा किया था। ऑल्ट न्यूज ने साइट का दौरा करने वाले शेख मुख्तार बाशा से भी बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दरगाह गिराई उनके पास कोई अनुमति नहीं थी और उन्होंने प्रशासन से सलाह किए बिना ही ऐसा किया। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वीडियो में दिख रहा ढांचा मंदिर का नहीं था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में पूजा स्थल को भाजी भाषा निशानी दरगाह बताया गया है और ये भी कहा गया है कि सभी धर्मों के लोग पिछले 40 सालों से दरगाह पर प्रार्थना करते थे। हमें इस घटना की ये न्यूज रिपोर्ट मिली। इस आर्टिकल में पटनाम बाजार के CI प्रभाकर के हवाले से बताया गया है कि LR कॉलोनी थर्ड लेन में जाधा इसु रत्नम अपनी पत्नी नागा रत्नम के साथ रहते थे। तकरीबन 20 साल पहले उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम रहमान रख लिया था। पत्नी की मौत के बाद उन्होंने अपनी जमीन पर कब्र बनाई। इससे मिलने वाले चंदे से वो अपना गुजारा करते थे। उनकी इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद वहां दरगाह बनाई जाए। हाल ही में कोविड के चलते उनकी मौत होने के बाद उनकी बेटी ने ये जमीन मुसलमानों को दे दी, लेकिन जब ये लोग ढांचा तोड़ने पहुंचे तो इसु रत्नम की भतीजी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि यहां पर मौजूद स्मारक को जो का त्यों ही रहने दिया जाए। इस विवाद के बाद पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उससे पहले ही ढांचे का एक हिस्सा तोड़ दिया गया था। बाद में पुलिस ने इसकी जानकारी वक्फ बोर्ड को दी। वक्फ बोर्ड के निरीक्षक ने दोनों पक्षों को साइट पर आगे काम करने के लिए मना कर दिया। CI प्रभाकर ने साफ कहा कि इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था। भाजपा अंडमान निकोबार के प्रभारी वाई सत्य कुमार ने इस मामले में ट्वीट करते हुए इस जगह को मस्जिद बताया है, न कि मंदिर।
हमने गुंटूर के शहरी एसपी आरिफ से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये जगह कोई मंदिर नहीं है, बल्कि ये एक मुस्लिम गुरु का छोटा सा स्मारक है। और साथ में उन्होंने इस घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल होने की बात से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उस मोहल्ले के मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि घटनास्थल पर मस्जिद बननी चाहिए या वहां बना स्मारक ऐसा ही रहने दिया जाना चाहिए। यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच स्मारक जो का त्यों बने रहने देने या दरगाह बनाने को लेकर हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर झूठे सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया।